नमस्कार, मैं हूं रजत देवगन और आप देख रहे हैं बिज तक। आज बाजार की बात करें तो आज वायदा कारोबार, अक्टूबर वायदा कारोबार की एक्सपायरी थी, लेकिन बेहद ही खराब एक्सपायरी होती हुई नजर आई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम आज के सत्र में 18,000 का स्तर छुएंगे, लेकिन बाजार ने आज किसी भी स्तर को इम्पोर्टेंस नहीं दी और एक तरफा गिरावट, बहुत भारी बिकवाली आज के सत्र में कारोबारियों ने की है। मार्केट इस हफ्ते से ही हमने देख रहे हैं, शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा वीक होती हुई नज़र आ रही हैं। आज भी शुरुआती 1 घंटे में हमने 18,100 के लेवल को निफ्टी पे निकाल दिया और उसके बाद लगातार बिकवाली के सौदे ही होते हुए नजर आए। अंत में निफ्टी लगभग 353 अंक गिर कर 17,857 पे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 2% की गिरावट के साथ 60,000 के लेवल के नीचे, यानी कि साइकोलॉजिकल मार्क के नीचे क्लोजिंग होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी जो पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी बढ़त दिखा रहा था, आज के सत्र में संभाल नहीं पाया अपने आप को और ऊपरी स्तरों पे बिकवाली इसे 1,365 पॉइंट नीचे ले गई, यानी कि लगभग 3% की भारी बिकवाली आज बैंक निफ्टी ने भी दिखाई है। FIIs की ज़बरदस्त बिकवाली हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि संस्थागत निवेशक खास तौर पर FIIs भारी बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो इस हफ्ते कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स नहीं हुए, लगभग 1.3% ही अब तक टूटे हैं निफ्टी में, लेकिन 2 हफ्ते में निफ्टी 18,600 से लेकर 17,800 के लेवल पे आ चुका है, यानी कि हम अब मंदी के सौदे बाजार पर ज़्यादा देख रहे हैं और छोटे निवेशक जो हैं वो लगातार बाजार पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। NSE के एडवांस डिक्लाइंस, यानी कि बढ़ने वाले और गिरने वाले शेयर्स की संख्या देखें तो मात्र 20% शेयर NSE के ऐसे थे जो आज चढ़ रहे थे। 77% शेयर्स में बिकवाली देखने को मिल रही थी और 3% में नो चेंज, यानी कि फ्लैट कामकाज होता हुआ नजर आया। निफ्टी में खुद लगभग सिर्फ 6 शेयर ऐसे थे जहां पर आज के सत्र में तेजी बन रही थी। 44 शेयर निफ्टी 50 के आज लाल निशान में बंद हुए हैं। आप सोच सकते हैं कितनी भारी बिकवाली आज के सत्र में थी। सभी इंडेक्स, कोई ऐसी इंडेक्स था ही नहीं जहां पर राहत देखने को मिल रही हो। सभी सेक्टोरल इंडेक्स में बिकवाली हुई। सबसे ज़्यादा बिकवाली जो सबसे भरोसेमंद सेक्टर था, PSU बैंक्स, पिछले कुछ दिनों का स्टार परफॉर्मर वहां पर दिखी। 5% सरकारी बैंकिंग खेमा लुढ़क गया आज। PNB, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, J&K बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी स्टॉक्स में लगभग 5% से 11% की बिकवाली देखने को मिली। टॉप लूजर था PNB, 11% नीचे। रियल्टी स्टॉक 3.5% इंडेक्स टूटा। सबसे ज़्यादा टूटे ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबरॉय रियल्टी, इन सभी स्टॉक्स में 3 से 4% की गिरावट थी। DLF भी 3% फिसला। मेटल इंडेक्स, एक और इंडेक्स जहाँ पर लगातार हम गिरावट ही देख रहे थे आज, वेदांता, JSPL, हिंद कॉपर, NMDC, कोई भी सौदा पॉजिटिव नहीं था, सारे शेयर्स नेगेटिव बंद हुए। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जिसमें कोटक, ICICI, ये तो अब बिकवाली की चपेट में थे ही, लेकिन REC, PFC, M&M फाइनेंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो लगातार टूट रहे थे आज। चौतरफा बिकवाली के बीच में अगर आप देखें तो हम एक वोलेटिलिटी इंडेक्स ऐसा होता है जिसको बहुत ध्यान से देखते हैं, आज उस इंडेक्स में लगभग 6.5% का उछाल आ गया और वो 18 के करीब पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं डर जो था वो बाजार पे और घेराता हुआ नजर आया। निफ्टी के कंपोनेंट्स देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा टूटा आज उसमें था अदानी पोर्ट्स, नतीजों का इम्पैक्ट था, शेयर जो 7% नीचे क्लोज हुआ। ITC, एक और नतीजे जो बाजार को पसंद नहीं, और 5% ये स्टॉक टूटा। ONGC, कोटक और ICICI बैंक में भी 4% की गिरावट देखने को मिली। वहीं जो तेज़ी वाले स्टॉक्स थे, हालांकि इक्के दुक्के स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर तेज़ी बन रही थी, लेकिन उसमें था इंडसइंड बैंक। देखिए पहले नतीजों से पहले ही काफ़ी ज़्यादा मंदी की पोजीशंस बन चुकी थी, जो नतीजे आए उसके बाद हमने एक अच्छी तेज़ी इंडसइंड बैंक में आज के सत्र में देखी। कुल मिलाकर 2.5% आज ऊपर दिखाई ये स्टॉक। L&T एक और स्टॉक जहाँ पर 2% के आसपास की तेज़ी के साथ हुआ कामकाज, और अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में भी आज निफ्टी पे कुछ सहारा इन स्टॉक्स की तरफ से मिला। सिक्योरिटी अगर टर्नओवर की बात करें, जो सबसे एक्टिव स्टॉक्स थे आज जिसमें टर्नओवर बहुत ज़्यादा था, यानी कि कुल कारोबार जो होता है बाजार में किन शेयर्स में सबसे ज़्यादा दिखा आज, उसमें इंडसइंड बैंक 2,000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार इस स्टॉक में था। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में भी लगभग 1,500 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार आज के सत्र में हुआ। मिड कैप इंडेक्स देखिए, वैसे तो मिड कैप और छोटे मझोले जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार बिकवाली ही देखी है। आज जो सबसे ज़्यादा टूटे उसमें HIL, इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक में 11% की गिरावट देखने को मिली। HIL 13% टूटता हुआ नजर आया। अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स तो आज लगातार टूट ही रहे थे। PNB, टाटा केमिकल, IRB, इन स्टॉक्स में भी 10 से 11% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। जो तेज़ी बनी उसमें एक स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग था, वो था IRCTC। स्टॉक स्प्लिट के बाद निचले स्तरों से खरीदारी हो गई स्टॉक में।
आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में IRCTC लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि इसमें शेयर धारकों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया IRCTC में, 21 रुपये बहुत टूट चुका है ये स्टॉक। लेकिन अब स्टॉक स्प्लिट के बाद आज 10% कुल मिलाकर तेज़ हुआ, एक बार तो 19% तेज़ था ये स्टॉक। असाही इंडिया रिजल्ट्स के बाद 7% चढ़ा, सुवेन फार्मा ABB जैसे जो स्टॉक्स थे वहाँ पर 6.5% से 7% की तेज़ी देखने को मिली, और साथ ही ब्लिस जीबीएस एक और शेयर जो था वो तेज़ी में था। जो 52 हफ्ते का लो बनाया जिन स्टॉक्स में, उसमें एस्ट्राजेनेका, रैमको सिस्टम्स और स्ट्राइड्स फार्मा, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ। FNO के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, वायदा कारोबार के कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, उनके नाम मैं आपको बता दूं, ये कल के सत्र से ही इंक्लूड होंगे। तो अतुल लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, लॉरस लैब्स, SBI कार्ड्स, वर्लपूल, कुल मिलाकर 8 ऐसे शेयर हैं जो वायदा कारोबार का अब हिस्सा बनने जा रहे हैं, और कल से इनमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी वायदा कारोबार में। रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कल, अपोलो टायर्स, बंधन बैंक, चोला फाइनेंस, डिक्सन, एस्कॉट्स, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो हम बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे, जिनके रिजल्ट्स कल के सत्र में आएंगे। अब देखिए, बहुत ज़्यादा बिकवाली तो आज हमने देख ली, लेकिन जिन लेवल्स पे हम क्लोज हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्तर है। पहले तो ये उम्मीद नहीं थी कि 18,000 के लेवल के नीचे जाएंगे, अब 17,800 के जो जोन पे हम आ गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर कल उछाल आया भी कितना टिकाऊ होता है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा, क्योंकि संस्थागत निवेशकों की बिकवाली जो है जब तक बाजार पे हावी रहेगी तो कोई भी उछाल ट्रेडर्स जो होंगे वो बिकवाली के लिए ही यूज़ करेंगे। अब उम्मीद ये है कि हम 17,700 17,800 के स्तर को कल बचा लें तो हफ्ते में कुछ ना कुछ राहत देखने को मिलेगी, और अगले हफ्ते उसके बाद देखना होगा जब SBI के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको, वो बहुत इम्पैक्ट डालेंगे मार्केट को। लेकिन निचले स्तरों से कल कुछ खरीदारी की उम्मीद है अगर हम 17,800 के लेवल को बचा लेते हैं तो।